छात लीजिए मेरे भगवत प्रेमियों, ये मैं आप लोगों की बेहद डिमांड पर और ये अच्छे कुमार कैसेट के माध्यम से हम कथा कहने के लिए जा रहे हैं। और ये भी बता दें हमारी कथा का शीर्षक क्या है, अर्जुन और कृष्ण का संवाद। गर्भ गीता से प्रसंग कहने के लिए जा रहे हैं, श्रोता हूं, गौर लगाएंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। तो देखिए कहां से हम शुरू करते हैं। तो किनिसो मिल गई सरस्वती जी, किनिसो मिल गो ज्ञान, किनिसो हंसायो मिली जैसे भरत मिली भगवान, सरसी मिल गई सरस्वती गुरु की रत सिंह से ज्ञान, जल में हंसायो मिली जैसे भरत मिली भगवान, कीरत सिंह गुरुदेव की जी चरण नवाऊं शीश, जानकी पुरी स्वामी मेरी सुतीति रहो आशीष, शक्ति भूमि आई की करो हृदय में बास, दियो अनुमति दास को सुनाया कहीं इतिहास। हाँ तो आइए श्रोता, कहां से हम शुरू करते हैं। और ये भी बता दें हमारे साजबाज को खड़का रहे हैं, ढोलक पे संगति कर रहे हैं हमारे प्रकाश भैया, राजस्थान वाले ग्राम हिंगोटा वाले, और मटकू पे संगति कर रहे हैं हमारे हरिओम भैया बहादुरपुर वाले बसेड़ी राजस्थान, और चिमटा बजा रहे मेरे प्रिय भाई बंटी रावत ग्राम कैमरा कला, और मजीरा पे संगति कर रहे हैं मेरे प्रिय हंडा भाई रावत ग्राम कैमरा कला, और मुझसे तो आप परिचित हैं श्रोता है, मैं हूं आपका जाना पहचाना गायक राधेलाल रावत वीणा एमपी हिंदुस्तानी ग्राम कैमरा कला जिला मरेना। आइए कैसे। तो कवि श्रोता को है मेरा ये जी बारंबार प्रणाम, मेरे सुर संवाद की प्रभु तुम्हारी हाथ लगाओ, श्रोतागण तुमसी कहूं अर्जुन कृष्ण संवाद, धर्म नीति और ज्ञान का हो जावेगा अंदाज। भैया एक बार क्या हुआ, अर्जुन और अपने महल हतनापुर में सो रहे थे। एक दिन भगवान कृष्ण ने सोचा कि आज मैं अर्जुन के पास चलता हूं, क्योंकि बहुत दिन हो गए अर्जुन से मिले। अर्जुन के जैसे ही महल पर भगवान कृष्ण पहुंचे तो अर्जुन को देखा तो अर्जुन अपने कक्ष में लेटे हुए थे। भगवान कृष्ण ने सोचा अभी अर्जुन जागे नहीं। उसी समय भैया भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दर्शन दिए स्वप्न में। अर्जुन एक सम से खड़े होकर के भगवान कन्हैया के चरणों में गिर गए, प्रभु मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। और भगवान को बड़े आदर के साथ बिठाया और पूछने लगे, अर्जुन हे प्रभु एक मुझे बात बताइए। क्या क्या बोले कन्हैया, क्या पूछना चाहते हैं। हे पारा, मैं आज तुझे वो धर्म नीति बताऊंगा जो कि संसार में मेरी कहानी को याद करते रहेंगे। क्या बोले, सुन पारा तू प्रात सखा मेरी, हे पारा सुन पारा तू प्रात सखा मेरी, तुम्हें सुंदर बात बताऊंगा, तुम सुनो लगा की बात मेरी, तुम्हें ज्ञान धान बतलाऊंगा। ध्यान से सुनना वीरन, वैसे भी तू मेरा भ्रात है क्योंकि मेरी बुआ जी का लड़का है, और वैसे भी तू मेरा सखा है, मित्र भी है। हाँ प्रभु मुझे ऐसी बात बताइए ताकि संसार में
कोई भी इंसान, देवी या देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी कोई भी हो जो तुम्हारे वचनों से मुक्त हो जाए। सोन भारत, मैं कहूं वचन मुख अपनी से, हे अर्जुन, मैं कहूं वचन मुख अपनी सी, कोई पालन किसका कर लेना, मेरे शब्द का वचन निभाई गायुषी कूटन यज्ञ समझ लेना, वचनों का कोई शब्द निभाएगा और मेरे मुखारविंद से जो शब्द निकलेंगे, चाहे मानव हो चाहे दानव हो चाहे मनुष्य हो, यही समझ लेना कोटन यज्ञ हमने करवा दी। जो मैं वचन कहूंगा उनके धर्म नीति पर चलना। मेरे भगवत प्रेमियों, आज हम आपके सामने गर्भ गीता का प्रसंग लेके आए हैं। सुनिए भैया कृष्ण प्रकाश से आज अर्जुन क्या बोले। हरे शीश प्रभु की चरणों में, भैया प्रकाश, हरे शीश प्रभु की चरणों में अर्जुन ने गिरायु चरी है, हे केशव माधव गिरधारी सुनिवे की आस हमारी है, कहा प्रभु मुझे वही बात बताओ जो मानव का कल्याण हो जाए। ठीक है अर्जुन, एक बात की भूल तो तुमने पहले ही कर दी। क्या प्रभु? सुन, मैं जब तुमसे मिलने के लिए आया तो तुम निंद्रा में सो रहे थे और सूर्य नारायण उदय हो गया, ये मनुष्य की परम भूल है। क्या बोले पारस से भगवान कृष्ण? जब सूर्य उदय हो जाता है नींद त्याग जगना चाहिए, हे अर्जुन मैं क्या कह रहा हूं, हाँ प्रभु कहो। जब सूर्य उदय हो जाता है तब नींद त्याग जगना चाहिए, कर शुद्ध देह नहीं के तन को जल सूर्य पित्र देना चाहिए, अर्जुन कह रहे महाराज क्या कहा? हाँ अर्जुन, सूर्य उदय होने से पहले इंसान को जागना चाहिए और जाग करके स्नान करके और सूर्य नारायण अपने पितृ देवों को जल देना चाहिए। अच्छा हाँ, और सुन पारस, हाँ कहो प्रभु, एक बात और मैं तुझे बता दूं। क्या प्रभु? अपनी नारी को दुख दे के तू सही संग ऐसे उड़ाता है, अपनी नारी को दुख दे और दूसरी संग ऐसे करता है अर्जुन, वो कौन होता है? सुन ले मेरी बात, अपनी नारी को दुख दे के तू सही संग ऐसे उड़ाता है, असुर मानव हो गया वो घोर नरक में जाता है, चाहे देव हो चाहे असुर हो चाहे मानव हो, दूसरी स्त्री के साथ जो ऐसा करता है वो घोर नरक में जाता है। जय हो कन्हैया। और क्या बोले भगवान कन्हैया? दिल डूबत छावे झाड़ू नारी लगाती है, जब उसी समय लक्ष्मी आती है श्राप तुरंत भग जाती है, भगवान कन्हैया
कह रहे अर्जुन दिन डूबत के बाद में जो औरत कछु झाड़ू लगा छे ना, हाँ जब लक्ष्मी का आना होता है और उसके हाथ में जब झाड़ू देख लेती है तो माँ लक्ष्मी शराब दे के भाग जाती है, जा आज से तू दरिद्री हो जा। तो ऐसे लोग दरिद्री होते हैं पारत, क्या हो कन्हैया। और सुन पारत, पास ठिंग जाता है चाहे कितनू व्रत भू कर ले वह पर व्रत का फल नहीं पाता है। व्रत कर लेवे लेकिन जो व्रत का फल नहीं पाता, जो अपनी औरत के साथ संगम करता है व्रत के दिन, जय हो कन्हैया। हे प्रभु बहुत अच्छी बात तुमने बताई और कछु और कहो कलयुग में क्या होगा। हे अर्जुन अब द्वापर युग बीत रहा है और कलयुग आना शुरू हो गया है, क्या बोले कन्हैया। अर्जुन क्या पूरा रहु है बीती, अर्जुन द्या पूरा रहो है पीती रहो या बकल युग आई ये। प्रकाश भैया दत्ता जमे जमे के वीरन और हमारी रिकॉर्डिंग करते हमारे वकील भैया भैंसुआ वाले बाड़ी राजस्थान। और मेरे श्रोता हमारी कैसेट को आप अपनाना, हमारी रिकॉर्डिंग बाड़ी में चल रही है। अब क्या बोले भगवान कृष्ण, सासु बहू में होगी झगड़ी, हे अर्जुन कलयुग में सासु बहू में झगड़े होंगे रोजाना कुछ बात पर। अच्छा हाँ और सुन पारत कहो प्रभु, लठा बजे भैयानी में तगड़ी, हे अर्जुन भाई भाई में झगड़ा होगा और भाई भाई में लठ बजे। अच्छा हाँ और सुन, मिट जानी सब कुल की रीति, भाई के मिट जाएंगी सब कुल की रीति रहो या बकल युग आइए। आज मेरे भगवत प्रेमिया भगवान कन्हैया अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन सुन और कहो प्रभु मुझे बहुत बड़ा आनंद आ रहा है। मेरे भगवत प्रेमिया भगवान कन्हैया कहने लगे, हे पारद साधु संत केवल ढोंगी फिरेंगे। अच्छा हाँ, भक्ति दया भाव नहीं होगी, भक्ति दया भाव किसी में नहीं होगी अर्जुन, केवल नाम के ढोंगी फिरेंगे साधु संत। तुम महात्मा प्रभु कहते हैं कि महात्मा में बात करते हो तो हाँ पारा बात मैं करता हूँ लेकिन जब करता हूँ जो मेरे लिए भजता है ऐसे संतों में मैं विराजमान रहता हूँ। जय हो प्रभु। हरि दया भाव नहीं होगी, ब्राह्मण खांगी दारू मीठी, ब्राह्मण भी मान मर्यादा को भूल जाएगा अपने चरित्र को भूल जाएगा क्योंकि दारू मदरा पिएंगे मांस को खाएंगे। कहो कन्हैया, ब्राह्मण खांगी दारू मीठी रहो या बकल युग आइए। और सुन पारत, हाँ प्रभु, भ्रष्टाचार दलाली खानी,
कांगड़ा दिन के श्रीलंका में अंगद ने लाई और भ्रष्टाचार दलाली को खाएंगे। अच्छा हाँ ओंगी पे मतलब की प्रीति अर्जुन ओंगी पे मतलब की प्रीति रहो अब कलयुग आई है। आज मेरे श्रोता हाँ क्या बोले भगवान कन्हैया बहु सुसर में पन्हा बजानी है अर्जुन बहु अपने ससुर की मार मा जा रहा भूल जाए और पन्हा देवे तैयार है जा बहु सुसर में पन्हा बजानी और सो लड़की लड़कने अचक भगानी लड़की कलयुग में लड़का को भगा के ले जाएंगे। लड़का की कोई औकात नहीं जो लड़की को भगा के ले जाए तो लड़की की मर्जी से होता था। ये हो कन्हैया धर्म के संग होगी अनिति रहो अब कलयुग आई है। क्या कहना प्रकाश भैया अर्जुन ऐसा ऐसा अत्याचार होगा और सुनो पारा हाँ कहो प्रभु भगवान कन्हैया क्या बोले श्री कृष्ण ने कही गर्व गीता में सरदारी मेरे भगवत प्रेमियों भगवान कन्हैया अर्जुन से कह रहे और इधर में राधे तुमसे भी कह रहा है सुन ले हाय ध्यान लगाई के सुन ली सब नर नारी आज मेरे श्रोता हाँ अर्जुन से भगवान कन्हैया कह रहे पारस अब तुम क्या पूछना चाहते हो वो कहो। अर्जुन कह रहे महाराज सुनो हाँ हाई नारिजू घर घर फिरती क्या बात बता दो कन्हैया जो घर घर फिर वो कौन हो तो सुन पा रहा नारिजू घर घर फिरती ऐसी चिड़िया जन्म जन्म कर बनाती है। सुबह उठ के आगे घर गई बातें बतराई वो जन्म जन्म तक कुतिया की औलाद होती। जय हो प्रभु अर्जुन ने फिर प्रश्न डालो एक नैया एक बात और पूछो हाय सुबह उठ भोजन करती है प्रभु कछु स्त्री ऐसी है सुबह उठ के भोजन चपट जाने वड़ा मोड़ी देखे ना पति देखो बात जय में से काम ऐसी स्त्रिया को होते प्रभु जी बताओ सोन पारा भोजन करती है बनाती है जय हो कन्हैया तुम्हारी तो लीला ही कछु अलग प्रभु असुर महाराज हाँ हाई पुत्र तू सही किने मरवा में कन्हैया मैं कहां तक तुमसे कहूं प्रभु नहीं पारा आप तो तुम मुझसे पूछो क्या पूछना चाहते हो ए पुत्र तू सही किने मरवा में ऐसी तेरी आशा
दूसरे के पुत्रों को मरवा देती है, सात जन्म तक विधवा बनती है, उसकी कोई संतान नहीं। जय हो कन्हैया। और सुन पारत कहो प्रभु, हाय कपट जो पति सी करती है। जय हो। ए कपट जो पति सी करती है, पनी चमगादर लटक लटक के उल्टी मराती है। क्या बोले, हाय प्यारा तू सही करती है। सुनते चलिए मेरे भगवत प्रेमियों, हाय प्यारा तू सही करती है, ऐसी तेरी जन्म जन्म तक वैश्या बनाती है। कन्हैया से अर्जुन कह रहे, हे प्रभु बहुत अच्छी बात बताई तुमने। और क्या बोले, हाय नारी जो धर्म पे चलती है, ऐसी तिरिया लक्ष्मी बन की जगह में पूजती है। टिकी हुई है वो संसार में लक्ष्मी बनकर जग में पहुंचती है। जय हो कन्हैया। अर्जुन ने प्रश्न फिर डाला, हे कन्हैया अब औरतन पे तो तुमने कह रही, लेकिन पुरुषों पे तो कहो। सुन पारत, हाय जीव हत्या कर खाता है, ओ जीव हत्या कर खाता है, जीवों की हत्या करके खाता है, 1,84,000 योनि में जन्म लेना पड़ता है उसको। वैसे भी बताया है क्या प्रभु, जो नर करे मांस का आहारा 64 धरे ग्रद अवतारा, उसके बाद में 64 बार ग्रद का अवतार पाता है। यह हो प्रभु। और सोन अर्जुन, हाँ प्रभु, हाई कमाई बेटी की खावे, ओ कमाई बेटी की खावे, ऐसो मानस जन्म जन्म तक कूड़ी हो जावे। की कमाई को खा जाता है वो जीवन तक, सात जन्म तक, जीवन तक तो क्या कोड़ी बन जाता है। जय हो प्रभु। हाय गरीबों की धन खाती है, कछु कछु ऐसे अर्जुन गरीबों की जमीन को हड़प लेते हैं, गरीबों के पैसे को खा जाते हैं, उनकी क्या दशा होती है, कहो नारायण। हाय गरीबों की धन खाती है, सियाने सूखे पुत्र अरुण, सियाने सूखे पुत्र हाल उनकी मर जाती। असुर जो गरीबों के धन को खा जाते हैं, गरीबों की जमीन को हड़प लेते हैं, उनके सियाने शो के पुत्र भाई मर जाते हैं। जय हो कन्हैया।
और सुन पारत। हाँ प्रभु। हरि गुरु की निंदा करता है, जय हो कन्हैया, आज तो तुमने मेरा जीवन ही धन्य कर दिया। और क्या बोले भैया, हरि गुरु की निंदा करता है ऐसी चेला, ऐसी चेला तन यज्ञ का फल नहीं पाता है। निंदा करता है वो चेला कभी जीवन में सक्सेस नहीं हो सकता और कभी दान पुण्य का फल नहीं पाएगा। यह हो प्रभु। और सुन भारत, अरे पिता माँ को दुख देती है, पिता माँ को दुख देती है, चाहे कितने उत्तीर्थ कर ले वे पर मुक्ति ना पाती है। सेवा नहीं करता माता पिता को जीवन में दुख देता है, क्या कितनी तीर्थ यात्रा कर ले लेकिन मुक्ति नहीं पाता। यह हो कन्हैया। और क्या बोले, अरे भजन जो मीरा करती है, हे अर्जुन ऐसे लोगों में मैं वास करता हूँ जो मेरा भजन कीर्तन गाता है, मेरा सत्संग करता है, मेरी चर्चा सुनता है और मेरे नाम की माला जपता, ऐसे लोगों में मैं वास करता हूँ। जय हो प्रभु। अरे भजन जो मीरा करती है ऐसे भक्तों में हम अर्जुन हरदम रहती है। भैया अर्जुन से भगवान कन्हैया कह रहे, हे अर्जुन और क्या पूछना चाहते हो सो पूछो। अर्जुन ने एकदम से प्रश्न डाल दिया, प्रभु और पूछू। हाँ कहो पारद, आज तुम दिल भर के पूछ लो, आज मैं हतनापुर में तेरे पास बैठा हूं। क्या बोले अर्जुन, अर्जुन बोले कृष्ण से क्या लिखा प्रभु तेरे ग्रंथ में, कृपा नाथ कह दो सही क्या होगा कलयुग अंत में। हे अर्जुन क्या कह रहे हैं। हाँ प्रभु जी बताइए कलयुग के अंत में क्या होगा। सोई भगवान कन्हैया की आंखों में एकदम से आंसू आ गए, क्या बोले, प्रभु मित्र मित्र के साथ धोखा देगा। और क्या प्रभु, अरे खंड खंड घर चुगल करेगा, हे अर्जुन दूसरा चुगल दूसरी की गृहस्थियों को बर्बाद आएगा और खंड खंड की कर देगा। जय हो कन्हैया। कछु पाप कछु पुण्य करे, कछु वापस में बैर करे, आपस में बैर करेंगे और कछु पुण्य में भागी डालेंगे और मित्र मित्र के साथ धोखा देगा जैसा कलयुग आएगा। ओह अर्जुन सोई हाथ जोड़ के खड़े हो गए, और क्या बोले, अरे तू
अथ इंद्र अवतारी। कलयुग में किसको राजरी चले गो गिराधारी। प्रकाश भैया अर्जुन से भगवान कन्हैया कह रहे, क्या कहा अर्जुन? हाँ प्रभु, मुझे ये बताइए कलयुग में किसका राज रहेगा। सोई भगवान कन्हैया हंस गए। सुन भारत, ओ श्री कृष्ण ने कही मान मेरी सही, भुआ की छैया भुआ की छैया, अधर्म गोरी को राजरी सुनी धर्म राज की भैया। प्रभु मुझे ये बताइए कैसे कैसे राजा पैदा हो। सुन अर्जुन, आरे कलयुग की राजन की अर्जुन, क्यों बार बार मुझसे पूछ रहे हो? नहीं प्रभु, आज तो मुझसे कहो, आरे कलयुग में, हे भारत, आरे कलयुग की राजन की अर्जुन, कहीं नहीं जाती धर्म नीति को छोड़ी, दुष्ट सब होंगी अपघाती। हे अर्जुन, कलयुग में अधर्मी राजा पैदा होंगे, वो कैसे महाराज? सुन, अरे स्त्री बालक गौ माता की हत्या कर देंगी, आया वाला नारी पराई और धरती को हड़पेंगे। की हत्या कर देंगे और अबला नार पराई को छेड़ेंगे और धरती मैया को गरीबों से छीन लेंगे। अच्छा हाँ, ए सच्चाई का राज त्याग के अधर्म उपजागी, अन्न देव को छीन प्रजा को भूखी तड़पाएंगे। हाँ प्रभु कहो, ए पैसे वालों की अर्जुन जयकारी हो गई, पैसे वालों की जयकारी होंगे अर्जुन, सज्जन और गरीबों को सब मूर्ख समझेंगे। हाँ प्रभु, पैसे वालों की जय जयकारी होगी कलयुग में, और कोई सज्जन पुरुष है, कोई गरीब है बेचारा, उसको मूर्ख समझेंगे, जो मूर्ख ढोल कोई खिले रहे भैया। और अरे इष्ट देव को छोड़ दूर की देवन पूजेंगे, अपने इष्ट देव को छोड़ के दूसरे देवी देवतन पूजवे जाएंगे, ये खेल होगा। माता पिता की बात टाल ससुराल की मानेंगे, हे अर्जुन, दूसरे देवी देवताओं की पूजा करेंगे जाएंगे, अपने इष्ट देव को भूल जाएंगे और माता पिता की बात को टाल देंगे और ससुराल की मानेंगे, सास ससुर करेंगे, सुई होगा ठीक है। और अर्जुन कह रहे प्रभु और बताओ आगे।
हे पारस, जब धर्म नष्ट हो जाएगा तब क्या होगा? धर्म नष्ट हो जाएगा तब लूंगा कल के अवतार में गौर ब्राह्मण जाति में ब्रज भूमि संबल ग्राम में। हे अर्जुन, धर्म जब नष्ट हो जाएगा तब एक गौड़ ब्राह्मण के यहां मैं जन्म लूंगा और मेरी ब्रज भूमि का नाम संबल ग्राम होगा। सुन ले मेरे भगवत प्रेमी, जो आगे की कथा हम कह रहे हैं, जो कलयुग में क्या होगा, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पहले ही बता दी और राधे भी तुमसे कह रहा है कि आगे क्या होगा, सच मान लेना। आज तक किसी गायक ने वैसे तो गाय दी होगी, लेकिन हमारी पलट करके भले गा दी हो। जो आगे कलयुग में क्या होगा सुनो, भगवान कन्हैया कह रहे अर्जुन से, अर्जुन मैं ब्राह्मण के घर जन्म लूंगा और वो मेरा 24वां अवतार होगा, जो कलयुग भगवान के नाम से पुकारा जाएगा, और उसी समय मैं लीले घोड़े पर सवार होकर के दुष्टों का क्या करूंगा, बताओ कन्हैया। हे घोड़ी पे सवार, ए तारा बसील भैया, बड़ो आनंद आ रहे करा दे रिकॉर्डिंग करवे, बड़ो अच्छा आयो हमारी मशीन पे करना, चिंता न करो, मैया की गुरु का कृपा यानी के कृपा रही तो राद यही गूंजता रहेगा। क्या बोले भगवान कन्हैया? हे घोड़ी पे सवार असवार, दुष्टन को अर्जुन मारेगा। प्रकाश भैया वीरन ढोलक पे से गूंजो तो रहे मोटा भाई, बंटी भैया मटका जमे जमे के वीरन, और हमारे अच्छे भैया बैठे हैं जो कैसे तुम्हारी भरवा रहे हैं, हमारी पूनम भाई बैठी है जो रिकॉर्डिंग में कह रही है गुरु जी आनंद आ रहे हैं। और मेरे श्रोता हो, वैसे तो हमने हर कैसेट में हमारा नंबर बोला है, जाको भैया की नॉलेज में नाम पता ना हो तो मैया की जागरण में श्रीमद भागवत स्थल में राजस्थान में छठी बहुत निकालते हैं, तो हमें संपर्क करें और कोई प्रत्याशी प्रचार करवाना चाहे तो हम प्रचार भी करते हैं, और हमारा मोबाइल नंबर है 80-85-27-75-27, हमें एस टी जी प्रोग्राम पर संपर्क करें। क्या बोले भगवान कन्हैया अर्जुन से? है घोड़ी पे असुमार असुमार, दुष्ट ने कहो अर्जुन मारेगा। हाँ प्रभु, दुष्ट ने मार भी ही न करेगा। आज दुष्ट ने मार भी ही न करेगा। हाँ रुकी मैं नहीं रुकेगा। और क्या, कोई मुझे रोकेगा ब्रह्मा या शंकर, चाहते हैं कि सब कोट के देवता जा, मैं रुकूंगा ना। कर दे मो पनिया धार ओ धार, दुष्ट ने कहो अर्जुन मारना। कर दूंगा पृथ्वी को, यह हो कन्हैया। असुर जब क्या होगा? हाँ प्रभु, 20-12 की उम्र रहेगी, मनुष्य की उम्र 20 वर्ष की रह जाएगी पारस, जब घोर कलयुग आ जाएगा 20 वर्ष। हाँ 20-12 की उम्र रहेगी, सौ बरसों तक हवा बहेगी, हे अर्जुन
जब पृथ्वी अन्न से रहित हो जाए, जब पृथ्वी अन्न से रहित हो जाएगी तब इंसान इंसान को खाएगा, फिर क्या होगा प्रभु? सुर पारस सुने सुन जीवन की अवतार अवतार दुष्ट को अर्जुन मारना, हे अर्जुन 100 वर्ष तक तूफानी तूफान चलेगा, क्या होगा प्रभु? मानव जाति संसार में कोई नहीं बचेगा, क्योंकि भूख से इंसान इंसान को खाएगा। जय हो कन्हैया, ओ कन्हैया, हाँ जी कहो, फिर क्या होगा? सुन पारस, 100 वर्षों तक बरसा होगी, हे अर्जुन, हाँ 100 वर्षों तक बरसा होगी, अर्जुन महाप्रलय फिर होगी, हे अर्जुन, हाँ प्रभु, 100 वर्ष तक वर्षा ही वर्षा होगी जब पृथ्वी जलमग्न हो जाए। जय हो कन्हैया, फिर क्या होगा प्रभु? फिर जीवों से सब फुसकार फुसकार दुष्टन को अर्जुन मारेगा, घोड़े पे असुमार असुमार दुष्टन को अर्जुन मारेगा, घोड़ा पे असुमार असुमार दुष्टन को अर्जुन मारेगा, हो जाएगी जब पाता लोग से शेषनाग अपनी फुसकार मारेगा, जब 14 भवन 3 लोक भस्म हो जाएंगे। जय हो प्रभु, जी बात तो मुझे काउने ना सुनाई आए। हाँ पारस, मैंने सतयुग त्रेता युग में कुछ नहीं किया, लेकिन इस द्व्यापर युग में मैं स्वयं बता रहा हूं, मैं नारायण हूं, मैं ही पृथ्वी का पालनहार हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही मृत्यु हूं, मैं ही काल हूं, मैं ही देवी हूं, मैं ही देवता हूं, मैं भूत हूं, मैं प्रीत हूं, पारस मैं ही सब कुछ हूं, मेरी शरण में आ जाओ। जो मेरी शरण में आ जाएगा आवागमन के चक्र से छूट जाएगा पारस, और सदा जो मेरी गर्भ गीता का प्रसंग सुनता रहेगा, उनके वचनों पर चलता रहेगा, वो मेरी शरण में युगों युगों तक रहेगा पारस, और मोक्ष मार्ग को प्राप्त हो जाएगा। जय हो कन्हैया, हे प्रभु, शेष नाग फुसकार देगा, फिर क्या होगा पारस? पारस, हाँ प्रभु, फिर क्या होगा? क्या बोले भगवान कन्हैया? सुन अर्जुन, लोक भस्म सब है जानी, हे पारस, हाँ प्रभु, शीस नाग फुसकार देता ही लोक नष्ट सब है जानी, फिर धीरे धीरे सुनिया अर्जुन सतयुग की रचना करवानी, कहो
सच्ची बात कही तुमने स्वामी, ऐसी बात जब मैं सुनता हूँ नारायण, तो मैं नहीं मेरा रूम रूम भी प्रसन्न हो जाता है। हे कन्हैया कथा तो मैं सुना रहा हूँ मुरली बारे, हे माँ पुस्तक धारिणी सरस्वती माँ, हे गुरुदेव तीरथ सिंह जी, आपकी कृपा से मैं संसार में गूंजता रहूं, ताकि मेरा भी छोटा सा इतिहास बन के गूंजता रहे। क्या बोले भगवान कन्हैया? हे अर्जुन, शेष नाग जब फुसकार मार देगा, तीन लोक चौदह भवन नष्ट हो जाएंगे। जय हो प्रभु। और उसके बाद में सतयुग की फिर दोबारा रचना होगी। वो कैसे प्रभु मुझे बताओ? सुन पारत, विष्णु की नाभि से अर्जुन कमल फूल सुंदर होगा। क्या कहा? अर्जुन, विष्णु की नाभि से अर्जुन कमल फूल होगा सुंदर, उसी फूल से पांच शीश की ब्रह्मा जी निकले अंदर। तो उसमें से पहले विष्णु का अवतार होगा, वही मेरा ही अवतार होगा अर्जुन मेरा। जय हो कन्हैया। ऐसी बात जो तुम करते हो, मैं ये समझता हूँ स्वयं वैकुंठ में बैठा हूँ। अर्जुन, मैंने पहले ही कह दिया, मेरे सत्संग को सुनेगा, मेरी शरण में जो आएगा वो आवागमन के चक्र से छूट जाएगा। जय हो प्रभु। क्या बोले? विष्णु की नाभि से अर्जुन कमल फूल होगा सुंदर, उसी फूल से पांच शीश की ब्रह्मा जी निकले अंदर। जब से सैया पे मैं विराजमान हो जाऊंगा समुद्र में, मेरी नाभि से कमल का फूल उत्पन्न होगा, और उस फूल में से ब्रह्मा जी अवतार लो। जय हो कन्हैया, बहुत अच्छी बात बताई तुमने। और जब ब्रह्मा जी प्रकट हो जाएंगे, जब पृथ्वी की रचना हो, और पहले अर्जुन सप्त ऋषियों को रचेंगे, मनु सतरूपा को रचेंगे, उसके बाद में मरीच ऋषि, जैसे जैसे तपस्वी राजा पैदा होते जाएंगे, ब्रह्मा जी पृथ्वी की रचना करते जाएंगे। और सुन अर्जुन, ए मेरी जिस संवाद को अर्जुन ध्यान से जो कोई सुन लेगा, जीव जंतु मानव देवा वैकुंठ परम पद पालेगा। प्रेम से, ध्यान से और भाव से सुनेगा, ये मैं नहीं, वेद शास्त्र भी कहते हैं। मेरे श्रोता हम कन्हैया तो अर्जुन से कह रहे, लेकिन राधे भी कह रहा, जो कोई प्रभु की शरण में रहेगा उसके पास कभी दुख नहीं व्यापेगा, क्योंकि संसार में कोई किसी का नहीं है, ना तो भाई है, ना पिता है, ना माता है, ना बहन है, ना भैया है, कोई किसी का नहीं है, केवल ये तो माया का चक्र है, घूम रहा है, इस मोह माया में हम घूम रहे हैं, लेकिन यह मोह माया से हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। और ये भी कह दे, अगर कोई इंसान का जन्म तो ना जाने कैसे कैसे कर्मों से मिलता है, जो इंसान का जन्म पा लिया तो भैया इंसान के जन्म को पशु के समान मत हो, संसार में जितना प्रेम प्यार है उसे बांटो, क्योंकि भगवान का प्रसाद के समान होता है, और जो प्रेम है वो प्रसाद ही मानो, क्योंकि जब प्रसाद तुम खाएंगे तो अच्छा लगेगा, ऐसे ही प्रेम अच्छा लगता है, क्योंकि संसार में हम दुश्मनी करने नहीं आए हैं,
हम तो केवल एक प्रेम करना चाहते हैं संसार में, और प्रेम ही सबसे बड़ी तपस्या है। कबो माला मत जपो लेकिन प्रेम करो, यही सबसे मुख्य मार्ग है। और क्या भैया, सभी समाज खुशी से झुकाई के तीस तीस में जाई रहो, कथा तो हमारी यहाँ पर संपन्न होती है। और सुनो भैया, भैया और मेरे श्रोता, ये कथा तो हमारी यहाँ पर संपन्न हो रही है, और एक आप लोगों के बीच में एक हम गाना लेके आए हैं। मेरे श्रोता, जिंदगी में ऐसा काम करके चलो ताकि दुनिया याद करती रहे। और हमारा तो भैया तुम जानते हो, एक रात का ही मिलन समझो बस, किसी को मालूम नहीं कि हम 10 दिन जिएंगे या 15 दिन जिएंगे, एक सेकंड की मृत्यु है। सुनो कैसे भैया, कि रही जिंदगी तो हे मेरे श्रोता, अगर मेरी जिंदगी रही तो आपसे मैं मिलता रहूंगा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन रात भर का हमारा तुम्हारा। ये जिंदगी मेरी ऐसे साधु संतों में, मित्रों में, सभी समाज में बिताना प्रभु। रही जिंदगी तो जन्म भर मिलेंगे, अगर मर गई तो फिर भी दिल ना मिटेंगे। समझ लो, और चाहे कोई लड़का बेचारा किसी से प्यार करता हो उसकी समझ लो, दोनों का ही डाल के गा रहे हो। क्या कह रहे हो वो लड़का, रही जिंदगी का जन्म भर मिलेंगे, अगर मर गई तो फिर भी दिल ना मिटेंगे। और क्या भैया, मेरी जिंदगी का रात भर का हमारा तुम्हारा। बाकी भैया
गया वो लड़का। काई कसम रब की साथ हम रहे सातों जन्मों तक साथ रहे। मैं कसम खा के कहता हूं क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया है और जो सच्चा प्यार करते हैं उसका साथ नारायण भी देता है और जो एक लंग से कच्चा एक लंग से पक्का वो जेल की चक्की पीसते हैं। अगर प्यार करे तो सच्चाई करे भैया, क्या कह रहे राधे। खाई कसम रब की साथ रहेंगे सातों जन्म तक साथ रहेंगे। और क्या आशिक हुआ तुझसे आशिक हुआ तुझसे मिल के नजारा रात भर हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन रात भर का हमारा तुम्हारा, 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 मिलन रात भर का हमारा तुम्हारा।